मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी की आज संडे है। विशाल भैया को थोड़ा टाइम है और नेशनल के लिए प्रैक्टिस भी करना है, तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ हम लोग बैठते हैं। हो चुका हूँ, मुँह पे पानी नहीं मारा अभी तक, लेकिन मिलते हैं आपसे फिर। अभी के सभी सामान बिखरे पड़े क्योंकि मेरा रूम है ना, इसीलिए देख रहे हैं पूरा का पूरा गंदा है, एकदम गंदे पे गंदे पूरा एकदम। आएंगे तो इसको साफ़ सुथरा करेंगे, टाइम होगा तो, नहीं तो मम्मी को कहेंगे करने के लिए। तो रेडी हो चुके हैं प्योर छपरी यूट्यूबर बन के, छपरी पूरा छपरी यूट्यूबर, और जा रहे हैं अब विशाल भैया के रूम पे। निकलते हैं यहाँ से। छपरी बनने के बाद रास्ता में काफी ट्रैफिक झेलने के बाद झूठ बोल रहा है, हो चुके हैं विशाल भैया के इंस्टीट्यूट पे। तो विशाल भैया छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देते हैं और विशाल भैया खुद हाथ से साफ सुथरा कर रहे हैं। प्रणाम विशाल भैया। अपने देश के प्रधानमंत्री जी सफाई करते हैं तो हम लोग क्या चीज है। सारा भाई जोगिंदर छपरी यूट्यूबर, सुन लियो छपरी यूट्यूबर हो चुका है। और अब हम लोग निकलेंगे, विशाल को जाना है क्लास कराने, हम जा रहे हैं घर पे, थोड़ा खाना पीना खाने, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट देखिए हम लोग पीछे कितना है। अभी इंस्ट्रूमेंट का कोई कमी नहीं है, तो हम लोग बहुत सारे सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्ले कर लेते हैं, लेकिन रह गई तो हम लोग को कोई काली मान नहीं है कि 10 हाथ हम लोग हैं, कोई एक ही हाथ से इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे हम लोग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के व्यक्ति को देना चाहता। मिलते हैं आपसे। गाइस प्लान चेंज हो चुका था थोड़ा सा, सोचे कि आए थोड़ा गाँव में तो थोड़ा घूम ले, दोस्तों से मिल लेते, एक इंसान तो मिल चुका है एक जन, और एक और को ढूंढ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा घूमेंगे गांव में, बाईपास बन रहा है वहां पे। बाबू आओ नीचे, आओ नीचे। सबरी से इंतजार है हमारे दोस्त का, आज आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखो वो आ गया। देख सकते हैं आ चुके हैं, तेजी में आ रहे हैं। तो गिरना मत, आराम से। अरे हीरो आराम से। छपरी यूट्यूबर हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पास पे गांव में, और ये जो शख्स है आपके सामने, इसका इंस्टाग्राम पे 8,000 फॉलोअर है, फेसबुक पे 14,000, और इसका 540। गरीब खानदानी गरीब बस, और कुछ नहीं है, इतना हम लोग ज्यादा नहीं है, बस दो धूर जमीन है, लेकिन गरीब है, देख रहे हैं गरीब, देखा चेहरा गरीब, छोड़ो गरीब। जैसा कि हम लोग, इन लोगों को पता चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम लोग के लिए ये कारपेट बिछा के लाए हैं, इतना मेहनत से बिछाए हैं, और ये हम कितना बार गिरने से मुंह फोड़ने से बचे, मतलब देखिए कितना हम लोग फेमस अपने गाँव में, कि हम लोग पहुंचे तो हम लोग के लिए कारपेट बिछाने के लिए आए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग कुत्ता भी नहीं पूछता, ये कारपेट सुखाने के लिए आया है। सॉरी, मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेरे गांव का व्यू है ना, इतना सुंदर आता है ना, मतलब हम लोग कभी भी सुकून चाहिए होता है ना तो अपने गांव में आते हैं, और ये जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है, एक उधर ओवरब्रिज बन रहा है, वहां पे हम लोग जाते हैं, इतना सुकून मिलता है, इतना ठंडक, इतना शांति, देख सकते हैं इतना बढ़िया व्यू है, फ़ोन में तो आ ही नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। हम लोग हरदम यहाँ पे आते रहते हैं, वीक में कभी ना कभी तो आते ही रहते हैं, और आज का भी प्लान बना आने का अचानक, फोटोग्राफी थोड़ा हो रहा है इन लोग का। भाई आराम से देखना जमीन में ना, फोटो शूट हो रहा है, सब अपने विश कन्याओं के पास भेजेंगे सारा फोटो, सारा फोटो जाएगा विश कन्याओं के पास, विश्व सुंदरी बनने का प्रयास यहाँ पे, गजब बेइज्जती है। क्या बात है गाइस, अब हम लोग का बहुत हो गया, अब जा रहे हैं घर पे थक हार के, फिर निकलेंगे जाएंगे दीदी के घर पे, दिखाते हैं वहाँ का व्यू, वहाँ पे जाने के बाद ना आने का मन नहीं करता, इतना सुकून है वहाँ पे। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है टाइसी, बचपन से उसको पाले थे हम लोग, जिया जी लेके चले गए, उससे ही मिलवाएंगे। पहुँच गया हूँ घर पे, और यहाँ से खाना खा के सिवान के लिए निकलूँगा। निकल चुके हैं घर से जाने के लिए दीदी के घर पे।
फाइनली काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद सिवान पहुंच चुके हैं और शुक्र है कि उल्टी फुल्टी कुछ नहीं हुआ, चक्कर नहीं आया बस में। इसीलिए हम बस में कुछ बोल नहीं पा रहे थे और ब्लॉग उतना नहीं कर पाए क्योंकि बस में हमको बहुत दिक्कत होता है। चलिए हमारे मोड़ से सिवान को जोड़ने वाला मेन पुल है दाहा नदी के ऊपर, इसको बंद कर दिया गया है। इसके साइड में जो पुराना पुल ख़त्म हो गया इसीलिए इसको बंद कर दिया गया, बस पैदल लोगों के लिए ही चालू है ये पुल। हमको लग रहा है कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये पुल पूरी तरह धस चुका है। इसीलिए दोस्तों पता है आप लोग को मैं कहाँ हूँ, अभी सिवान जंक्शन के पास में और मुझे स्कूटी मिल चुकी है दुकान से, तो दुकान के काम के लिए ही आया था मैं। और स्कूटी देख सकते हैं का नज़ारा, बड़ा मज़ा आ रहा है सिवान घूमने में। अभी और घूमना हमको, अभी तो निकले हैं, स्कूटी है ही हाथ में। अभी तो आप लोग घर पे एक चीज़ से मिलाना है, देखिए कितना मज़ा आता है उसको देख के, इतना खुश हो जाएगा वो, दिखाता हूँ मैं घर पहुँच के। और मैं दीदी के घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी टाइसी मिला था मुझे, मेरा टाइसी इतना ना बॉडी पे चढ़ रहा था, इतना ना ये वो कर रहा था, तो वो नहाने से डरता है, पानी के डर में सिर्फ नहाने का नाम लिया, चल नहला दे रहा हूँ, भाग गया है। बढ़िया से मिलेंगे थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके मुँह हाथ धोकर। अरे अरे पहचान कर इसका, अरे चल 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 चल। अरे चुके हैं और सुबह मिलाता हूँ मैं सबसे यहाँ पे और दिखाता हूँ बाहर का सीन, घर का कैसा है, और बहुत अच्छा लगेगा देख के आप लोगों को, बहुत सुकून मिलेगा। बाय।